हम खड़े हैं शाहबाद में और ये शाहबाद विधानसभा है। यहाँ की विधायक रजनी तिवारी जो अजय विधायक हैं, लगातार 4 बार से विधायक हैं, उनको मंत्री पद मिला है और योगी के मंत्रिमंडल में वो शामिल हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक चाय की दुकान जो है और यहाँ बहुत फेमस है चाय की दुकान है, हम इनसे पूछते हैं क्या खासियत है उनकी लोकप्रियता की जो लगातार वो 4थी बार विधायक हैं और जिस वजह से उनको योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या खास बात क्या है विधायक रजनी तिवारी की जो उनको चौथी बार विधायक है योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? विधायिका जी की सबसे सरल बात यह है कि वो सरल स्वभाव की है और हमारे होटल पर भी आई और वोट मांगा हमसे, तो उनकी सरलता के कारण ही वो जीते। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं जो चाय पीने का इंतजार कर रहे हैं, चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए विधायक रजनी तिवारी, पति की मृत्यु के बाद में अचानक राजनीति में आती हैं और ऐसे में वो चुनाव लड़ती हैं, उपचुनाव लड़ती हैं और बड़े बड़े नेताओं को वो जो है चुनाव में हराते हैं। क्या खासियत है उनकी कि डॉक्टर अशोक वाजपेयी जैसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा उनसे चुनाव हार जाता है और चौथे स्थान पे जाता है, क्या खासियत है? जो हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक जी हैं उनका जो व्यवहार है, उनका सरल सौम्य, उनका जो व्यवहारिक है, व्यवहार है सरल, बहुत सौम्य है, जनता से उनका जो लगाव है, उनका क्षेत्र में अनवरत 5 साल आम जनमानस के साथ रहना हो, पूरे क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर वो हमेशा अग्रणी भूमिका में रही और उनका जो मेन मुद्दा है, उनका जो उनसे जो भी एक बार मिलता है उनका कायल हो जाता है, उनकी लोकप्रियता का कायल हो जाता है। आप बताइए कि विधायक को आप यहाँ किस रूप में देखते हैं, आती हैं क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देती हैं, लोगों से मिलती हैं, क्या कारण है उनकी जीत का लगातार? हमारी विधायिका जी 2 बार हमारी विधानसभा से चुनाव जीती, दोबारा जीतने पर वो उनको मंत्री बनाया गया है। उनके अंदर एक विशेषता यह है कि वो गरीबों को गले बहुत कस के लगाती हैं, उनको अपने पास लगाती हैं, उनके सुख दुख में शामिल होती हैं, क्षेत्र का विकास करती हैं और जिस तरीके से गांव हमारे फसलों को खा जाती थी, इस तरीके से हमारे पुराने जो विधायक हुआ करते थे वो जमीनें खा जाया करते थे काश्तकारों की अच्छी अच्छी, विधायिका जी ने उन सब पर अंकुश लगाया है और क्षेत्र के लिए विकास किया है तथा गरीबों का संरक्षण दिया है। इनका कहना है कि गरीबों को संरक्षण देती हैं और गरीबों से मिलती हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शाहबाद बार एसोसिएशन के रामजी तिवारी जी हैं, इसे पूछते हैं। रामजी तिवारी जी, ये बताइए वकील होने के नाते और अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे लोग आपसे मिलते रहते होंगे, क्या लगता है कि क्यों योगी मंत्रिमंडल में एक महिला विधायक को शामिल किया गया है? हमारी माननीय विधायिका जी बहुत ही सहज सरल स्वभाव की हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने यहाँ पर जो थानों की, तहसील की, ब्लॉक की, अस्पताल की जो लोग चक्कर काटते थे, दलाली करते थे, उसको दूर किया। कोई भी उनके नाम से नाजायज 2 पैसे थाने में, तहसील में या कहीं अस्पताल वगैरह में नहीं ले सकता था। इसके अलावा बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, जनता से जब मिलती हैं तो लगता ही नहीं कि विधायक हैं, एज ए फैमिली मेम्बर ही मिलती हैं और हम अधिवक्ताओं को हमेशा गले लगाया है, हमारे बार में कई बार आई हैं और बहुत ही सहज स्वभाव की हैं, विकास कार्य भी बहुत ज्यादा कराए हैं हमारे यहाँ जन है। तो आपसे बात करते हैं भैया, ये बताइए क्या लगता है एक सामान्य सी महिला जो गृहिणी थी, अचानक पति की डेथ हो जाती है, राजनीति में आती है और उसके बाद में लगातार 4 बार विधायक बनती है और बहुत भारी भारी पद के नेताओं को वो चुनाव कराते हैं, क्या है लोकप्रियता की वजह? यह हमारी विधायिका जी की सरलता है और उनके पति की मृत्यु के बाद जनता के प्रति समर्पण, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीती और लगातार 4थी बार विधायक हुई हमारी विधानसभा शाहबाद से और
माननीय योगी जी का धन्यवाद जल्द देता हूँ, उन्होंने हमारी विधायिका जी को मंत्री बना करके भेजा है और विश्वास है हम लोगों को कि जो विकास उन्होंने 5 साल पहले कराया उससे भी ज्यादा विकास की उम्मीद हम लोग रखते हैं माननीय विधायिका जी से। क्या बहुत सारे विकास की बात हो रही है कि विधायक रजनी तिवारी ने विकास कराया, आपको क्या लगता है कौन कौन से प्रमुख विकास हैं जो आपको क्षेत्र में दिखाई देते हैं? निश्चित रूप से विधायक जी ने, आदरणीय रजनी तिवारी जी ने बहुत विकास कराया है। उसमें नंबर एक पर आता है ओवरब्रिज, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी पियानी रोड पर, आजी स्टेशन पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा शाहबाद से पिहानी मार्ग का चौड़ीकरण, और तीसरा जो है शाहबाद से सांडी मार्ग का चौड़ीकरण, विकास उनका मेन मुद्दा रहता है और इसीलिए वो जनता की प्रिय है। ये बताइए, विकास की बात हो रही थी विधायक रजनी तिवारी को लेकर के, क्या रहा? एक समय था जो बड़ा कठिन समय था लोगों का, कोविड के समय, जो कोविड काल के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं, उस समय क्या भूमिका रही विधायक रजनी तिवारी की जो मंत्री? विधायक जी की उस समय भी बहुत अच्छी भूमिका रही, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट के लिए व्यवस्था कराई उन्होंने और विकास के मामले में भी सबसे आगे रही। इससे पूर्व में जो लोग विधायक हुआ करते थे वो बदले की राजनीति करते थे और गुंडागर्दी करते थे, यही कारण है। लोगों से बात की गई और ज्यादातर लोगों ने कहा कि विधायक रजनी तिवारी बदले की भावना से राजनीति नहीं करती हैं, उनकी छवि स्वच्छ, सरल, मृदुभाषी और साथ ही साथ ईमानदार है। रंजीत कुमार सिंह, एबीपी गंगा, हरदोई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।